हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारी सीरीज़ चल रही थी माइक्रोस्कोपी वाली, तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे एसटीएम, या फिर इसे हम टैम भी बोलते हैं, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, राइट? तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे। सो व्हाट्स द प्रिंसिपल? क्वांटम टनलिंग, ऑब्वियसली। आई मीन, इसमें टनलिंग वाला जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसका यूज़ करके यहाँ पे किसी भी सैम्पल का जो सरफेस होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी कि सरफेस, कोई भी सैम्पल, अभी यहाँ पे सैम्पल सिर्फ बायोलॉजिकल ही नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई, जैसे कोई मटेरियल, कोई मिनरल हो सकता है, कोई भी लाइक कोई स्टोन हो सकता है, जो जो वर्कर स्टोन पे काम करते हैं या फिर डायमंड पे काम करते हैं, वहाँ पर भी, उस इंडस्ट्री में भी इस वाली माइक्रोस्कोपी का यूज़ होता है। क्योंकि उनको जो फाइन, जो बहुत छोटा सा पार्टिकल, या फिर हम कहेंगे कि जो बहुत छोटा सैम्पल होता है, तो उसके सरफेस को पहचानने के लिए ये वाला माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकली ही इसकी बात करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोपी की, तो इसमें क्या रहता है कि जो ये यहाँ पे जो ये सेकेंड वाला क्वांटम पिक्चर, ठीक है, ये वाला जो मेथड बताया गया है, ये वाला अप्लाई होता है। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन बोथ ऑफ दिस। सबसे पहले हम क्लासिकल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो क्लासिकली जो हाइपोथेसिस थी उसके बारे में बात करें। तो क्लासिकली, एक सेकेंड, तो क्लासिकली क्या होता है, माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, यानी पार्टिकल की तरह बिहेव करते का मतलब, जैसे यहाँ पे एक बैरियर लगा दें और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा दें, तो इलेक्ट्रॉन बैरियर से टकराएगा और वापस आ जाएगा। मतलब कि जैसे एक पार्टिकल बिहेव करता है, ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बिहेव करेगा। लेकिन इसके बाद, जब ये वाली हाइपोथेसिस क्लियर हुई थी, उसके बाद काफ़ी सालों बाद क्वांटम वाली हाइपोथेसिस बनी, उसमें ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, बस डिपेंड करता है किस मीडियम में है। ठीक है, तो वेव की तरह बिहेव करता है का क्या मतलब, कि इस बैरियर को वो पार करके बाहर जा सकता है। इसमें क्या बोला था पार्टिकल में, कि वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन क्वांटम में बोला गया कि बैरियर को क्रॉस कर सकता है। नाउ ये वाला जो पिक्चर है, इसको ध्यान से देखिए, ये है टैम को जब हम समराइज कर देंगे। अभी मैं इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन आपको बड़ा वाला वो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इसको छोटे फॉर्म में देख लेंगे, ताकि वो बड़े वाले फॉर्म को आप समझने में आसानी हो जाए। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक टिप यूज़ की जाती है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ पहले। ओके, अब क्लियर आई थिंक। चलिए ठीक है, तो इसमें एक टिप यूज़ की जाती है, या टंगस्टन, टंगस्टन सबने सुना है, टंगस्टन का एक रॉड ले लिया जाता है जिसको हम टिप बोलते हैं, और उसके नीचे एक प्लेट रखी जाती है जिस पे कि सैंपल रख दिया जाता है। ठीक, पहले टंगस्टन का रॉड लेंगे, उसके नीचे एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर सैंपल रख देंगे। अब सैंपल और प्लेट को कनेक्ट कर देंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लो के थ्रू, और इसमें बीच में कोई भी वाला वोल्टेज डाल देंगे। ठीक है, कोई भी का मतलब है कि वो तो लैब में डिसाइड होता है कि किस तरह का आपका मटेरियल है, किस तरह का सैंपल है, और वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज फिक्स की जाती है। अब यहाँ पर मैं बता नहीं सकती आपको कि कितने पर्टिकुलर, कौन सी वोल्टेज यहाँ पर यूज़ की गई है, लेकिन हम एक बोल देंगे कि पर्टिकुलर वोल्टेज हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए, अब ये होता है कि यहाँ से जब जैसी वोल्टेज हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, अभी प्लस और माइनस, अब यहाँ पे जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट है, दोनों फ्लो कर रहे हैं। तो जैसे ही ये फ्लो करता है, तो यहाँ पर से एक डिटेक्टर लगा दिया जाता है नीचे से, और वो डिटेक्टर ये डिटेक्ट करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसकी वजह से वो एक ग्राफ तैयार करता है, और ग्राफ ये बता देता है कि जो सैंपल हमने रखा हुआ है यहाँ पे, उसका शेप या उसकी सरफेस का शेप कैसा है। वो सीधा सीधा है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ है, बहुत ज़्यादा उसमें हाइट है, या फिर कैसा है, किस तरह से है, ये पता चल जाता है। अब इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, देखिए ये है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर
जो भी चीज़ लिखी हुई है सिर्फ इससे रिलेट करके लिखी हुई है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है इससे रिलेट करके लिखी हुई है। तो क्या होगा अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस बोला गया है वो किस चीज़ के लिए बोला गया है, टिप और सैंपल के बीच की डिस्टेंस। अगर टिप और सैंपल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो टिप और सैंपल के बीच में फ्लो होने वाला करंट कम हो जाएगा। आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है और कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, उन दोनों के बीच में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लो वो ए, लेट्स से कि ये ए वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, ठीक है, अगर इस चीज़ को यहाँ पर ले आओ, तो फिर उनका करंट क्या हो जाएगा। अब देखो वही करंट है लेकिन उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नापनी पड़ रही है, इस वजह से जो करंट का फ्लो होगा वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी इंटेंसिटी फिर बी हो जाती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, किस कौन सी डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, टिप और सैंपल के बीच की डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इन दोनों के बीच में फ़्लो होने वाला करंट कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस इन दोनों की कम है तो इन दोनों के बीच में फ़्लो होने वाला करंट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा का मतलब ये नहीं है कि करंट जितना आप इसको दे रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, करंट तो वही रहेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी घट बढ़ जाएगी और उसी के हिसाब से इसका ग्राफ भी बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जब हम टैम को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो दो मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों में से एक मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो, दो मेथड होती हैं इसकी, दो में से एक कोई भी यूज़ कर सकते हो, या तो कांस्टेंट करंट रहे या फिर कांस्टेंट हाइट रहे, ठीक है, कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट हाइट। अब ये क्या चीज़ है, देखो कांस्टेंट करंट का क्या मतलब है कि अगर आप तो अगर आप कांस्टेंट करंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि देखिए मान लीजिए ये गन है आपकी, ठीक है, कांस्टेंट करंट के टाइम पे, तो कांस्टेंट करंट के, अगर आपने कांस्टेंट करंट वाला मेथड अगर यूज़ करने का सोचा है तो उसमें आप क्या करोगे कि वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे आपने सैम्पल रखा है, अभी जो पिछले वाला डायग्राम था उसमें उसमें मैंने खाली एक गन दिखाई थी क्योंकि उस समय सिंपली हम ये दिखा रहे थे कि उसका वो जब इंस्ट्रूमेंटेशन जब चालू होता तो कैसा दिखाई देता। अब मान सपोज आप ये सोचिए कि आपने कांस्टेंट करंट वाला जो मेथड था उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, जैसे आपने स्टार्ट किया तो क्या होगा, आपने गन यहाँ पे रखी, ठीक है, यहाँ पे गन रखी हमने, सॉरी गन नहीं, इसको हम टिप बोलेंगे, टिप यहाँ पे रखी, यहाँ पर आपने सैंपल रख दिया, ठीक है, मान लीजिए कि सैंपल हमने इधर पे रखा। अब देखिए ये जो सैंपल वो इस तरह से हम रखेंगे, सैंपल तो छोटा सा होगा, यहाँ पे इसको जूम करके दिखाएंगे कि सैंपल सरफेस ऐसा है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इतना अगर हमें सरफेस पहले से ही दिखाई देने का होता तो हम ये मेथड यूज़ ही क्यों करते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इस ये जो आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया है ये दिखाया गया है कि सैंपल इतना लंबा, यहाँ से यहाँ तक का लंबा है और इसका सरफेस एक्चुअल में इतना है जो कि हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने टिप रख ली और यहाँ पे सैंपल था, सैंपल का एक सरफेस यहाँ पर था, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम गन, ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करेंगे इधर से, अब क्या होगा कि जो ये गन होती है ये एक जगह पे नहीं रहती, क्या होता है ये गन यहाँ से, मैं फिर से गन बोल रही हूँ, ये टिप होती है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या करेगी, बढ़ेगी आगे को, तभी तो पूरा का पूरा ये सैंपल को स्कैन कर पाएगा ना। तो क्या होगा कि मान लो यहाँ पर आपने फर्स्ट में एक गन रखी है और यहाँ पे आपके सैंपल का ऊपर हाइट वाला हिस्सा आ गया इधर पे, तो क्या होगा, हमने कांस्टेंट करंट वाली बात हम यूज़ कर रहे हैं, तो कांस्टेंट करंट को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गन आगे की तरफ तो जा रही है लेकिन हमने पिछले अभी स्लाइड में क्या देखा था कि अगर हाइट बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर हाइट घट जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा, तो हमें, लेकिन हमें करंट को घटाना बढ़ाना नहीं है, हमें करंट को सेम ही रखना है। तो क्या करोगे, आपको करंट को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो गन होती है इसको सैंपल के सरफेस के हिसाब से अपनी हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा,
तभी जाके इसका करंट, जो इन दोनों के बीच का करंट फ्लो है, वो कांस्टेंट रहेगा. तो लेट्स से कि फर्स्ट वाले कंडीशन में सैंपल का ये वाला सरफेस था और इसके जस्ट ऊपर पे ये टिप थी, तो ये यहाँ पे को आ गई. अब सैंपल का ये नीचे वाला हिस्सा टिप के सामने आ गया, तो टिप को अपने आप को नीचे एडजस्ट करना पड़ा. ये यहाँ आ गई टिप, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे. फिर ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया सैंपल का, तो टिप भी ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि इसको अपने अपने करंट को कांस्टेंट रखना है, ठीक है. तो ये अब यहाँ से पे डिटेक्टर लगा हुआ है. अब डिटेक्टर क्या डिटेक्ट कर रहा है कि देखो, डिटेक्टर ने ये डिटेक्ट किया कि अभी टिप ऊपर गई, तो इसने ये तो डिटेक्टर ने हिसाब क्या लगाया कि जो सैंपल का जो सरफेस है उसमें अभी राइज आ रहा है, ठीक है. फिर जैसे ही अगर जो गन है वो नीचे की तरफ गई, तो उसने डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि सैंपल का के सरफेस का नीचे वाला हिस्सा सामने आ गया. तो इसी तरह से इसका इस तरह से ग्राफ बन जाता है, पता चल जाता है कि सैंपल का जो सरफेस है वो किस तरह का है, कितना कांस्टेंट है और कितना ऊपर नीचे वाला है. तो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट करंट. अब सेकंड मेथड क्या है, कांस्टेंट हाइट. अब ये भी आप समझ गए होंगे, कांस्टेंट हाइट में क्या करना है, इसको हाइट को सेम रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको हाइट को सेम रखना है. अब आप सोचेंगे कि अगर हाइट सेम हो गई तो करंट तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा. मतलब अगर हाइट सेम रही तो जो सरफेस, ये सैंपल तो वही है, तो सैंपल जैसे ऊपर नीचे है, लेकिन इस अगर ये हाइट, टिप की हाइट अगर सेम रहेगी, तो करंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. कभी करंट कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा. और एक्चुअली यहाँ पर हमें वही चाहिए होता है, यहाँ पर हमें उधर ऊपर कांस्टेंट करंट पे हमें करंट को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, मतलब करंट को बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है. इधर हमें करंट को डिस्टर्ब करना है, इसलिए इसकी हाइट को हमें कांस्टेंट रखना होता है. और इसी करंट को अगर जब आप डिस्टर्ब जब डिस्टर्ब होती है करंट ऑटोमेटिकली, तब जाके इसका इसका ग्राफ बनता है. वो कैसे बनता है, जब यहाँ पे टिप अगर ऊपर यहाँ पर आ गई मान लो, तो इसका करंट कोई पर्टिकुलर करंट उस समय रहेगा, और जैसे टिप यहाँ पर आ गई तो करंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है ना, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो डिटेक्टर ये डिटेक्ट करेगा कि करंट कम हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे ज़रूर क्या है, फॉल डाउन है, नीचे की तरफ को है, सरफेस नीचे है, गड्ढा टाइप है वहाँ पर. फिर जैसे ही ये थोड़ा ऊपर की ओर आया, अब डिटेक्टर यहाँ पे पहुँच गया है, फिर क्या हुआ, फिर अब देखो यहाँ पे ये हाइट और ये हाइट में डिफरेंस है, ये हाइट कम है, तो ये हाइट कम है यानी कि इसका करंट अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. करंट बढ़ गया, इसका मतलब डिटेक्टर ने ये सोचा या डिटेक्ट किया कि यहाँ पे करंट बढ़ गया है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा. ऊपर की तरफ बढ़ा मतलब कि यहाँ पर को क्या है, हाइट है. तो इस तरह से ये डिटेक्ट करना स्टार्ट करता है दोनों तरीके से, ठीक है. अब इसका फाइनल जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, ये है इसका जो हम फाइनली इसको, एक सेकेंड, तो ये फाइनल इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है एसटीएम का. इसमें क्या होता है कि देखिए इस तरह से ये आपको टिप दिखाई दे रही होगी, ये टिप है पूरी, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है, ये सैंपल वाली प्लेट है, यहाँ पे सैंपल रख दिया जाता है और इन दोनों के बीच में करंट फ्लो कर दिया जाता है. यहाँ पर ये है टनलिंग एम्पलीफायर, ये करंट को थोड़ा एम्पलीफाई करता है, और यहाँ पे ये सब कनेक्टेड रहता है आपस में, और इसके साथ ये सीपीयू जुड़ा रहता है. सीपीयू मतलब कि डिटेक्टर, ये डिटेक्ट कर रहा है कि किस तरह से फ्लो ऊपर नीचे जा रहा है, और फिर उसके जो सैंपल होता है उसके सरफेस के बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है. इसका जो डायग्राम है, या तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए, या फिर आपको इंटरनेट पर भी आराम से मिल जाएगा, या जब आप अपने अपने नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंटेशन डाल लीजिए, और उसके बाद उसकी मैकेनिज्म है वो दोनों चीज़ें डाल लीजिए, पीछे वाली जो हमने अभी देखी थी, ये वाली, ठीक हो गया. तो आप, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. ओके, नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम फिर से इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच.